नमस्कार, मैं पाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। बीसीसीआई बिना वर्ल्ड कप किताब देश लौटी टी20 टीम को बदलने की योजना बना रहा है। बोर्ड की योजना में 2007 का किताब जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी का भी रोल है। बोर्ड टी20 टीम को आक्रामक बनाने के लिए धोनी को फिर से टीम के साथ जोड़ सकता है। बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी धोनी को एज ए मेंटोर के तौर पर टीम के साथ भेज चुका है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई इंग्लैंड की तरह फियरलेस क्रिकेट खेलने वाली टीम बनाना चाहता है। इसमें वो धोनी की एक्सपर्ट स्किल्स की मदद लेने का विचार कर रहा है और जल्द ही इसमें फैसला भी लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी को बीसीसीआई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। उन्हें लिमिटेड ओवर यानी टी20 और वनडे के लिए कोच या डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है। टीम इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद धोनी की कप्तानी में 2011 में ये किताब हमारे देश के पास आया। इसके अलावा पहला टी20 वर्ल्ड कप भी धोनी के ही कप्तानी में जीता गया था। एमएस ने 15 अगस्त 2020 को वनडे और टी20 से संन्यास लिया था। उन्होंने 30 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट खेलकर इस फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान किया था। बीसीसीआई इंग्लैंड की तर्ज पर लिमिटेड ओवर और टेस्ट की अलग अलग टीम बनाने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, इन टीमों के लिए अलग अलग कोचिंग स्टाफ भी अपॉइंट किया जा सकता है। अलग कोच पर इस महीने होने वाली मीटिंग पर विचार किया जा सकता है और फैसला भी सुनाया जा सकता है। बीसीसीआई के सोर्स पहले भी कह चुके हैं कि 2 साल बाद यानी कि जून 2014 में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर बदलाव हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या बोर्ड की चॉइस है। उन्हें नई टीम के लिए लंबे समय तक कप्तानी सौंपने का विचार किया जा सकता है। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाना है। इसके बाद 2014 में टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में होना है। ऐसे में वनडे के लिए करीब 1 साल और टी20 वर्ल्ड कप के लिए 2 साल बचे हैं। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि इन दोनों वर्ल्ड कप के लिए नए सिरे से टीम तैयार की जाए। इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले भी अलग अलग टीमों के प्रस्ताव में अपना फेवर कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब वो समय आ गया है कि भारत में भी टेस्ट और लिमिटेड ओवर की टीमें पूरी तरह से अलग अलग हो। टी20 में टी20 स्पेशलिस्ट हो, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर हो। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कई खामियां नजर आई। टीम इंडिया में टीम के पास जहां ऑलराउंडर्स की कमी थी, वहीं हमारी ओपनिंग पेयर काफी कमजोर दिखी। किताब जीतने वाले इंग्लैंड के पास आखिरी तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। इंग्लैंड से सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद इंडिया की टी20 स्क्वाड में बदलाव होगा। सीनियर खिलाड़ी टी20 टीम में बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई के सोर्स ने कहा है कि अगले 1 साल में टी20 टीम में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक और आर अश्विन जैसे खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। आज के हमारे इस खबर में बस इतना ही। आपकी राय क्या है कि टीम इंडिया को ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए जिसके वजह से टीम इंडिया और अच्छी टीम बन सकती है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।